नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज आपके 10 जुलाई तो 10 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया। तो दोस्तों, ये मनाया गया था अभी हाल ही में 4 जुलाई को। तो सभी दोस्तों ने यहाँ पे सही जवाब दिया था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, तो फटाफट से बता दीजिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की सिफारिश की है। तो कौन सी परियोजना है वो? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट ये परियोजना है, इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की यहाँ पे सिफारिश की गई है। और इस परियोजना से कौन कौन से जिलों को यहाँ पे लाभ मिलेगा, कौन कौन से जिले यहाँ पे लाभान्वित होंगे, उनका नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इन जिलों को वर्ष 2051 तक, कब तक? 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिर्फ आपको यहाँ पे इसका नाम याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव करवाने की घोषणा कब तक की है। तो ये किए दोस्तों 15 अक्टूबर 2020। आपको पता है कि जो 3 चरणों में चुनाव हो गए थे, चौथे चरण के बाकी रहे थे पंचायती राज चुनाव के। तो अब इनकी बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 15 अक्टूबर 2020 तक इनके चुनाव करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध हटा दिया है और ये घोषणा इन्होंने हाल ही में की है। चौथे चरण में राजस्थान के कुल 26 जिलों में चुनाव होंगे। कितने जिलों में होंगे? 26 जिलों के अंदर होंगे। और इन 26 जिलों के अंदर कितनी पंचायत होगी जिनमें ये चुनाव होंगे? वो है 1954 पंचायत होगी जिनमें ये चुनाव होंगे चौथे चरण के अंदर। और 3 चरण यहाँ पे पहले हो गए थे, एक बाकी रहा था जो अब 15 अक्टूबर 2020 तक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है बीकानेर में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग से ऑटो चलाए जा रहे हैं और उन ऑटो का जो कलर होगा वो पिंक कलर का होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पिंक प्रोजेक्ट। इसमें ड्राइवर भी महिलाएं होगी, ये भी चीज़ एक अलग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नगर निगम में संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक ऑटो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा। और बीकानेर राजस्थान का दूसरा ऐसा शहर होगा जहाँ पिंक ऑटो रिक्शा चलेंगे। इससे पहले कहाँ चलाए गए थे? इससे पहले दोस्तों जयपुर में चलाए गए थे। इनके बीकानेर दूसरा जिला बना है राजस्थान का जहाँ पे ये इस टाइप की एक पिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो पहला अगर आपसे पूछे तो जयपुर कर टिक कर देना, और दूसरा पूछे अभी करंट का तो वो हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध के लिए युद्ध के तहत दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता परखने के लिए राजस्थान में कब से कब तक अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभियान चलाया जाएगा 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच, यानी कि 8 से लेकर 14 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की है? स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसकी यहाँ पे घोषणा की है। जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध है, घी है, उनकी शुद्धता को परखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी को बताया कि कहीं कहीं पे कई बार आपको मिलावट के जो सैंपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनको मतलब ऐसी कंडीशंस ना आए इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, तो उन सभी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर कितनी सज़ा का प्रावधान रखा गया है? ये अभी हाल ही में रखा गया करंट का क्वेश्चन है।
तो एक साल की सज़ा का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो बेसिकली क्या है, देखिए 1960 के अंदर 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बना दिया गया था। और इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि जो भी मृत्यु भोज करता है या फिर जो उसमें शामिल होता है, दोनों ही वहाँ पे इनके तहत अपराधी माने जाएंगे, है ना, दोनों को ही दंड मिलेगा। तो ये इस अधिनियम में बताया गया था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब इसके बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है, न्यूज़ में आपके करंट में आया था। तो राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर 1 साल और 1,000 रुपये का जुर्माना भी होगा साथ साथ में। और ये चीज़ बताई गई है कि अगर वहाँ के किसी गांव के अगर कोई सरपंच है, पंच है या पटवारी है, इस बात की अगर वो जानकारी नहीं देता है आगे, तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ये भी चीज़ अच्छी है, तो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचेगी ऐसी अगर कोई बात होती है तो। और साथ ही अभी करंट में ये किस क्षेत्र में ज़्यादा फैल रहा है, मतलब ज़्यादा ये जो प्रावधान रखा गया है ये सज़ा का, ये कहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का विस्तार मध्य प्रदेश के श्योपुर से राजस्थान के किस जिले तक करने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान का जिला कौन सा होगा दोस्तों, वो कोटा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेसवे कौन कौन से राज्य के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल क्षेत्र को ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन किया गया है। यह एक्सप्रेसवे भिंड दिगोद के पास NH 27 से जुड़ेगा। और कुल इसकी लंबाई कितनी होगी एक्सप्रेसवे की, चंबल एक्सप्रेसवे की 406 किलोमीटर होगी, और इसमें से 78 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान में होगा। करीब 7,500 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी गई है 2023। डेडलाइन का मतलब यह है कि 2023 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। चंबल एक्सप्रेसवे श्योपुर, खातोली, इटावा, दिगोद के रास्ते भिंड को कोटा से जोड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे सारी PDF पहले की भी अपलोड कर दी गई है। और आपको बताया कि हाल ही में मैंने राजस्थान के लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दिया है, जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके ज़रूर देखिए, और उसके भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसी के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसके अंदर भारत की हाल ही में रैंक रही है 34वीं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखना, JLL कंसल्टिंग एक फर्म है, उसने इस इंडेक्स को यहाँ पे जारी किया है। और इस इंडेक्स के मुताबिक 1 से लेकर 10 तक रेटिंग वाले जो भी देश होते हैं उनका रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पारदर्शी माना जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट माना जाता है। अगर किसी देश की रैंक 11 से 33 के बीच में है तो उस देश के जो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसकी जो पारदर्शिता है वो सिंपल पारदर्शी माना जाएगा, यानी कि सिंपल ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा रैंक जाती है, यानी कि 34 से लेकर 59 के बीच में अगर रैंक जाती है तो उससे सेमी ट्रांसपेरेंट माना जाएगा, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप भारत की रैंक क्या रही है 34, तो 21 कैटेगरी में आता है, 34 to 59 वाले में आएगा, यानी कि भारत की जो रियल एस्टेट की जो है, रियल एस्टेट जो सेक्टर है भारत का वो कैसा है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, भारत की यहाँ पे रैंक 34वीं रही, तो पहली किसकी रही, पहली दोस्तों UK की, दूसरी USA की और तीसरी ऑस्ट्रेलिया की, पहले तीन पे ये रहा। देखिए अगर यहाँ पे बात हमने इंडेक्स की हमने बात की है सूचकांक की बात की, तो कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने काफ़ी सारे इंडेक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, फिर से बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कितनी रही थी, उसके अंदर भारत की रैंक रही थी 117वीं, जो हमने कल ही पढ़ा था, और उसमें पहले स्थान पर था दोस्तों स्वीडन। उसके अलावा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही थी 168, और उसमें टॉप पर रहा था डेनमार्क। उसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक रही थी 142, और टॉप पे कौन रहा था, नॉर्वे। उसके अलावा दोस्तों ओपन बजट इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक रही थी 53, और टॉप पे कौन रहा था, न्यूजीलैंड।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। काफ़ी सारी इंडेक्स यानी कि सूचकांक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, डिस्कस भी कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्या हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं ड्वेन जॉनसन, बी ऑप्शन आपके यहाँ पे एग्रेट हो जाएगा, जिनको आप द रॉक नाम से भी जानते हैं। ये WWE के सुपरस्टार भी रह चुके हैं और काफ़ी मूवीज़ में भी आते हैं, आप सभी को पता होगा इनके बारे में। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी में ये फर्स्ट पे आ गए हैं, ड्वेन जॉनसन। अच्छा, इनकी अगर मैं बात करूँ तो 2019 में फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी की गई थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट, है ना, उनमें ये टॉप पे थे। 2019 की लिस्ट की अगर बात करूँ तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में जारी इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है यहाँ पे 31वें स्थान पर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ग्रेट हो जाएगा। फिर से आपके एक इंडेक्स यानी सूचकांक का क्वेश्चन है और यह इंडेक्स हमें ये बताती है कि उस देश में मानवीय संकट व आपदाओं का जो जोखिम है वो कितना है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिज़ास्टर वहाँ पे कितने हैं उस कंट्री के अंदर। तो उस हिसाब से वहाँ की रैंक जारी की जाती है। तो भारत की यहाँ पे रैंक है 31st। अगर भारत की रैंक 31st है तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर दोस्तों सोमालिया है, सोमालिया पहले स्थान पर है। और ये जो रिपोर्ट है इंडेक्स है, ये किसने जारी की है? ये यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इन्होंने ये जो लिस्ट है रिपोर्ट है ये जारी की है, उसके हिसाब से यहाँ पे हर एक देश को यहाँ पे रैंक प्रोवाइड करवाई गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इंपॉर्टेंट आपके 9 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।